हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय पॉडकास्ट स्टोरीज चैनल। कैसे हो आप सब? आज गंगा दशहरा और आप सभी को गंगा दशहरा की ढेरों शुभकामनाएं। आज ही के दिन गंगा धरती पर आई थी और इसे लाने वाले थे ऋषि भागीरथ जी। चलते हैं कहानियों के सफर में और आज के सफर में चर्चा करेंगे गंगा स्नान, और गंगा स्नान पर चर्चा का विषय रहेगा क्या गंगा स्नान से पाप और पुण्य कितना संबंध होता है। गंगा स्नान करने पर भी क्या पाप मिट जाते हैं? हमारे अगर पुराने वेद पुराण पढ़े जाएं तो उसमें तो गंगा जी को लेकर बहुत ही महत्व बताया गया है। जैसे कहते हैं कि गंगा वो सीढ़ी है जिस पे चढ़ के मनुष्य स्वर्ग पहुंच जाता है। गंगा जो हमें मोक्ष देती है, हमारे बड़े से बड़े पापों को हर लेती है और हमारी समस्त कठिनाइयों को दूर कर देती है। मनुष्य के दुख हमेशा के लिए मिट जाते हैं और एक परम शांति जो इंसान महसूस करता है तो वो गंगा जी में जब स्नान करता है। कभी कभी आप सबके मन में भी ये शंका होती तो होगी कि अनेक बार गंगा जी में स्नान तो कर लिया, वर्षों से गंगा जल का सेवन भी कर रहे हैं, फिर भी हमारे दुख, हमारी चिंता, तनाव, डर, भय या मन के जो एक टेंशन्स, जो दुख होते हैं ना, क्या वो मिट जाते हैं? क्या हमारे जीवन में गंगा स्नान कर लेने से शांति मिल जाती है? इसका बहुत सीधा सा आंसर है, मनुष्य का भगवान और उसके वचनों पर विश्वास करना या ना करना। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि भगवान के ही वचन हैं कि यदि हम पुराणों की वाणी पर विश्वास करेंगे तो उसका फल हमें अवश्य ही मिलेगा। इस बात का हमेशा से ध्यान रखें कि ये जो देवता, वेद, गुरु मंत्र या ये तीर्थ, औषधि या ये संत गुरु, ये सब श्रद्धा और विश्वास से ही फल देते हैं। इसका अगर आप आर्ग्यूमेंट्स पर करोगे तो आर्ग्यूमेंट से इसके कोई भी रिजल्ट्स आपको कभी नहीं मिलेंगे। इस बात को समझने के लिए हम चलते हैं एक कहानी की तरफ। एक बार भगवान शंकर और पार्वती जी घूमते हुए हरिद्वार पहुंचे। पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, हजारों लोग गंगा में स्नान कर रहे होते हैं, क्या इन सबके पापों का नाश भी हो रहा होता है? तो शंकर जी ने उत्तर दिया, इन लोगों ने गंगा स्नान किया ही नहीं है, ये तो केवल जल में स्नान कर रहे हैं। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि वास्तव में गंगा में स्नान किसने किया है। भगवान शंकर जी गंगा जी के रास्ते में एक गड्ढा बनाकर उस जल से भर के और एक साधारण मानव का वेश धारण करके उस गड्ढे में खड़े हो जाते हैं। शंकर जी कंधों तक जब जल में डूब जाते हैं तो उन्होंने पार्वती जी से कहते हैं कि तुम गंगा के स्नान करने वाले जितने भी लोग यहां से निकलें तो उन सब से निवेदन करना कि मेरे पति को इस गड्ढे से बाहर निकाल दो, लेकिन शर्त ये है कि यदि तुमने अपने जीवन में कोई पाप ना किया हो तभी इन्हें बाहर निकालने की कोशिश करना, अन्यथा अगर तुम इन्हें छू लोगे तो तुम भस्म हो जाओगे। अब कई दिन गुजर गए, हजारों लोग गंगा स्नान करके उस रास्ते से निकलते किंतु जब शर्त सुनते तो शंकर जी को छूने की हिम्मत ही ना कर पाते और ये कहते हुए चले जाते कि हमने इस जन्म में तो कोई पाप नहीं किया है, पर पूर्व जन्मों का क्या पता, पता नहीं हमसे कोई पाप हो भी गया हो।
तो इसी तरह एक दिन एक व्यक्ति ने आकर पार्वती जी से कहा, मैं आपके पति को इस गड्ढे से बाहर निकाल दूंगा। पार्वती जी ने पूछा, क्या आपने कभी कोई पाप नहीं किया है? तो वो व्यक्ति जवाब देता है, मैंने बहुत पाप किए हैं, किंतु अभी अभी मैंने गंगा जी ने स्नान किया है, इसलिए मेरे सारे पाप नष्ट हो गए हैं और मैं अब निष्पाप हो गया हूँ। उस व्यक्ति ने जैसे ही भगवान शंकर को गड्ढे से बाहर निकालने के लिए अपने हाथ बढ़ाए, तो शंकर जी स्वतः ही गड्ढे से बाहर आ गए। भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, इसने वास्तव में गंगा स्नान किया है, क्योंकि इसको विश्वास है कि गंगा जी में स्नान करने से सारे पापों का नाश हो चुका है। इस तरह से गंगा स्नान का पूरा पुण्य फल उसे मिल गया। कहते हैं गंगा जी की कृपा प्राप्ति के लिए उनमें अखंड विश्वास होना बहुत ही जरूरी होता है। इसीलिए सांसारिक वस्तुएं ना मांगकर सदैव यही मांगना चाहिए कि आप अपनी कृपा से मुझे अपना अखंड विश्वास दीजिए। गंगा में जब डुबकी लगाते समय ये भावना रखी जाती है, तब हमें साक्षात नारायण के चरण कमलों से निकले उस अमृत रूपी ब्रह्म देव में डुबकी लगाने पर हमारे जो पाप हैं वो स्वतः ही निष्पाप हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर से जो थोड़े बहुत भी पाप किए होते हैं वो स्वतः ही गंगा स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। और कहा जाता है कि जब गंगा स्नान करें तो ये प्रार्थना करें कि गंगा माँ मेरे पापों का हरण करके मुझ पर कृपा कीजिए। शास्त्रों में कहा गया है कि देवता बनकर ही देवता की पूजा करनी चाहिए। गंगा स्नान के वक्त ना तो झूठ बोलना चाहिए, ना लड़ाई झगड़ा होना चाहिए, ना निंदा चुगली होनी चाहिए, ना किसी तरह का लोभ और लालच होना चाहिए। दान, दया, करुणा, ये सब चीजें जीवन में तभी होती हैं जब आप सही तरीके से गंगा स्नान करते हैं और आपका गंगा स्नान सफल हो जाता है। आज गंगा पर बात करते करते गंगा स्नान से ये बात याद आई कि 2013 में जब एक भयानक त्रासदी आई थी, गंगा में जिस तरह से इतना भयानक विनाश देखा था, जिस नजाकत से ये लहरें पैरों को छूती हैं ना, यकीन नहीं होता इन्होंने कभी इतनी जिंदगियां डुबोई होंगी। ये थी आज की हमारी चर्चा गंगा स्नान पर। तो आपको भी पता होगा कि आपने गंगा स्नान करने पर अपने पापों को धोया है या उन पापों को अपने साथ ही लेकर चल दिए हो। इसका फैसला आप ही करोगे। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आइकन बटन साथ में जरूर प्रेस करना है आपको, ताकि मेरी अगली कहानी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो इस कहानियों के सफर को यहीं रोकते हैं और मिलूंगी फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।